आज आपको हम मेट्रो यूज करना सिखाएंगे कि चैनल मैम मेट्रो कैसे यूज करते हैं। मेट्रो के हैं बड़ी मुश्किल से बैठे हैं, दो एक आंटी है और एक लड़की है उनके दरमियान। तो मोस्ट लोगों को पता नहीं होता कि हमने लाइन एक्सचेंज कैसे करनी है, तो उसके लिए भी बड़ा आसान तरीका है, वो मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि Assalamualaikum, क्या हाल चाल, उम्मीद है सारे खैर ऑफिस से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त इत्शाम अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आज जो है हमने थोड़ा सा काम है, हमें हमारी सिटी में चंगदू में, तो हम सिटी के किसी दूसरी जगह पे जाएंगे, तो उसके लिए हम आपको दिखाएंगे कि हम कैसे ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं। हम अभी मैं यूनिवर्सिटी से बाहर निकल रहा हूँ, ये मैं गेट पे हूँ और गेट से बाहर निकलते ही बाहर हमारा मेट्रो स्टेशन है। मैंने आपको एटलीस्ट बहुत मरतबा दिखाया है कि हम मेट्रो से जाते हैं। आज आपको हम मेट्रो यूज करना सिखाएंगे कि चाइना में हम मेट्रो कैसे यूज करते हैं। चाइना का जो सर्विस सिस्टम है ना, वो बहुत कमाल का है। यहाँ पर आपको बहुत सी सहूलियात मुयसर है। यहाँ पर तीन तरीके से आप इंटर हो सकते हैं सर्विस स्टेशन के अंदर अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तो फर्स्ट तरीका है कि चेंगदू मेट्रो लाइन की आप एपीपी डाउनलोड कर लें, वो आप वहाँ से क्यूआर कोड स्कैन करके इंटर हो सकते हैं। वहाँ पर आपको कुछ थोड़ा सा डिस्काउंट मिलता है अगर वो आप एपीपी जो है ना यूज करते हैं। तो उसके अलावा ये मशीन्स पड़ी हैं, आप इन मशीन का भी यूज कर सकते हैं कहीं भी जाने के लिए, तो ये भी एक अच्छा तरीका है। यहाँ से पे करें अलीपे से, वीचेयर से, आप यहाँ पर आके पे करके अपना कार्ड लें जहाँ पर आपने जाना है डेस्टिनेशन पे, वो इजी है। आपको बस डेस्टिनेशन का पता होना चाहिए, और बाई चांस आपको डेस्टिनेशन का नहीं पता, आपके पास एपीपी नहीं है, तो आप एक और तरीका है जिस एप्लीकेशन से आप पे करते हैं, मतलब अलीपे। मोस्टली अलीपे के अंदर एक ऑप्शन होता है टैक्सी का, मेट्रो का और सबवे का। तो हम बेसिकली भी सबवे पे खड़े हैं ना, तो सबवे के ऑप्शन है, हम सबवे पे जाएंगे, वहां पर उसको क्यूआर कोड देगा। आप वहां पर एक मशीन लगी होती है सामने, हम इंटर होते हैं ना, वो भी आपको दिखाते हैं। वहां पे जाकर आप स्कैन करें, स्कैन करने के बाद आप इंटर हो सकते हैं, और जहां पे आप निकलना हो उसी तरह वापस भी आप स्कैन करें, आप आउट हो जाएंगे। आपके जो पैसे होंगे डेस्टिनेशन के, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएंगे विदाउट एनी डिस्काउंट, क्योंकि वहां पर आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो पहले आपको दिखाते हैं कि हमने जाना किधर है, उसके बाद हम यहाँ से टिकट तो नहीं लेंगे, हम जाएंगे क्यूआर कोड के जरिए, क्योंकि वो इजी है और वहां पर हम इजीली वीडियो भी बना सकते हैं, और क्योंकि वो आपको स्क्रीनशॉट साथ दिखा दूंगा तो इजी होगा आप लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना। जब भी किसी मेट्रो स्टेशन पे जाते हैं, आप इसको इस तरह का बोर्ड मिलेगा या आपको नॉर्मली एक दीवार पे बना नक्शा मिलेगा कि आपने कहाँ पर जाना है, वहां से आप देखें, साथ मशीन खड़ी होगी, वहां से अपना स्टेशन देखें, मशीन पे आके अपना स्टेशन डायल पुट करें और आपको ना आपकी टिकट मिल जाएगी। ठीक है, आपको स्टेशन का पता चला कि आप यहाँ पर इनपुट करके अपनी ना, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं लाइन 8 पे खड़ा हूँ, लाइन 8 को छोड़ दो, हम जाएंगे लाइन 1 के ऊपर। हमने जाना है इस तरफ चले जाओ चले जाओ चले जाओ, मुझे करेक्टर याद है, तो मैंने इस जगह पे जाना है। सही है, ये है गोंगदू, तो मेरी ये 5000 MB टिकट लगेगी गोंगदू जाने में। तो यहाँ पर मैं अलीपे भी कर सकता हूँ, वीचैट भी कर सकता हूँ, तो ये इजी टू वे है। यहाँ पे करके आप क्यूआर कोड स्कैन करें, आपकी टिकट यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन हम दूसरे तरीके से जाएंगे, ये मशीन है, इस मशीन पे अगर आपके पास एपीपी अगर कार्ड है तो आप कार्ड यहाँ पर पुट करेंगे तो आप इंटर हो सकते हैं। अगर कार्ड नहीं है तो आपके पास मोबाइल की एपीपी होती है। अभी देखिए ये आंटी ये पुट करेगी अपना मोबाइल की एपीपी और ये दिखाएगी, एक मिनट, ये यहाँ पर फेस स्कैन भी होता है, अगर आपके पास फेस स्कैन है वो देखिए, वो एपीपी से पुट किया, पुट करने के बाद वो इंटर हो जाती है आगे, तो ये सीन है सारा का सारा। तो अभी मैं इंटर हो चुका हूँ, वहां से मैंने अपना क्यूआर कोड से इंटर हुआ, जिस तरह वो लड़की जा रही थी इंटर हुई, तो उसी तरह मैं भी इंटर हुआ हूँ। तो मैं नीचे पहुंच के आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको पता नहीं है कि आपने कहाँ पर उतरना है, तो मोस्ट लोगों को पता नहीं होता कि हमने लाइन एक्सचेंज कैसे करनी है, तो उसके लिए भी बड़ा आसान तरीका है, वो मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि यहाँ पर एक आ रही होती है एक जा रही होती है, तो हमें ये भी नहीं पता होता कि हमने जाना किस तरफ है, तो वो भी आपको मैं दिखाता हूँ कि हम कैसे फाइंड करते हैं कि हमें किस तरफ जाना है। जहाँ से हम जाएंगे तो हमें वो हमारी लाइन मिल जाएगी जिस लाइन पे हमने जाना है। ठीक है, तो स्टे ट्यून, ये ट्रेन तो गुजरेगी सर, हम पहले इधर आएंगे, पहले चेक करेंगे, ये एक ट्रेन इस तरफ से इस तरफ जा रही है और उस तरफ से इस तरफ जाएगी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले फाइंड करना है कि हम कहाँ पर हमने जाना है। ठीक है, हमने लाइन 1 पे जाना है, तो हमारी लाइन 1 यहाँ पर इधर भी नजर आ रही होगी और उस तरफ भी नजर आ रही है। ठीक है, अभी हमने फाइंड करना है कि हमने जाना किस तरफ है, कहाँ पर हम अपने लाइन 1 को फाइंड कर सकते हैं। तो इस मेट्रो लाइन के जो कलर है ये ग्रीन है, पैरेट ग्रीन है, तो ये इधर से ग्रीन नजर आ रहा है और इस तरफ से इसका कोई कलर नहीं है, ये पूरी लाइन है। ठीक है, सारा स्टेशन है इस लाइन के ऊपर, तो हमें पता चलेगा कि जिस तरफ ये ग्रीन है ना, पैरेट ग्रीन,
इस तरफ हमने एक गाड़ी जा रही है और जिस तरफ नहीं है, जो कलर नहीं है जिसके ऊपर, इसका मतलब है वहां से गाड़ी आ रही है। तो हमारा लाइन वन कहाँ पर है जिस तरफ कलर नहीं है, तो हमने इस तरफ जाना है। तो हम इससे पता चलता है कि हमने उस तरफ जाना है क्योंकि वो गाड़ी लाइन वन की तरफ जा रही है। वो देखे उधर आएगी तो मैं आपको दिखा देता हूँ इधर से ऊपर भी। ये देखे वो गाड़ी इस तरफ जा रही थी और ये गाड़ी इस तरफ जा रही है, उसका ये कलर ऊपर मेंशन किया गया है, ठीक है। और ये लाइन वन पे हमें जाना है, यहाँ पर जाके हम अपनी लाइन एक्सचेंज करेंगे। तो आगे हम अभी इंटर होते हैं और देखते हैं यहाँ पर बैठने की जगह है, यहाँ पर बैठने की जगह है। तो अभी हम मेट्रो में बैठ गए हैं अपने बस पे, तो अभी हमने हमारा एक स्टेशन बाद ही हमारा स्टेशन आ जाएगा, हम वहाँ पे जाके एक्सचेंज कर लेंगे। एक्सचेंज करने के बाद हम लाइन वन पे जाएंगे, वहाँ पर हमारा मेन स्टेशन है जिस तरफ हमने जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर अंदर भी दिखा रहे होते हैं कि आपकी लाइन वन आ गई है या आपका मतलूबा स्टेशन आ चुका है। यहाँ पर भी एंट्री पे आपको ना अंदर स्क्रीन लगी होती हैं जो आपको शो करा रही होती हैं। तो फर्स्ट पहले चलते हैं लाइन वन पे, वहाँ पर आप लाइन एक्सचेंज करेंगे तो आगे फिर अपने स्टेशन की तरफ भी जाएंगे। निजा छाव पे आ गए हैं जी, इसके ऊपर भी दिखाते हैं निजा छाव। ये लाइन वन स्टेशन है, लाइन एक बता रहे होते हैं कि ट्रांसफर टू लाइन वन बता रहे होते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ से उतरते हैं, सबसे पहले हम ये लाइन एट एग्जिट करेंगे। ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। जब हम शुरू शुरू में आए थे तो हमारे पास ऑल्दो एपीपी भी नहीं था, हमारे पास एप्लीकेशन भी नहीं थी, ना अलीपे था, ना वीचैट था, कुछ भी नहीं था, ना हमें कुछ पता था। हमारे एक दोस्त हैं जैसन भाई, वो अभी चाइना में है लेकिन वो ग्रेजुएट हो चुके हैं यूनिवर्सिटी से। तो उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की थी, उन्होंने मुझे हमें बताया था फोन करके कि यार आप इस तरह करें, आपके पास अगर कैश है ना तो आप कैश इवन दो कैश के जरिए भी अपनी टिकट ले सकते हैं। तो ये तो बहुत ईजी है और बहुत आसान है। और कैश के बारे में तो आपको वैसे बताना भूल गया क्योंकि बहुत कम यूज होता है यार यहाँ पर कैश, मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक जो पे है वो यूज होती है। तो जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए ये ऑप्शन है कि आप कैश के जरिए भी उन्हीं मशीन के ऊपर जिसमें मैंने दिखाई है वहाँ पर आप अगर QR कोड स्कैन करते हैं तो आप वहाँ पर कैश भी पुट कर सकते हैं, लेकिन कैश 10 RMB से ऊपर आप नहीं डाल सकते। मतलब 10 RMB के जो नोट होते हैं, 100 RMB के नोट आप नहीं डाल सकते। 10 RMB का नोट आपके पास होगा वो पुट करेंगे तो ही आपको टिकट मिलेगी, उसके वो बकाया आपको दे देंगे। अगर आप लाइन वन से आ रहे हैं तो आप लाइन एट की तरफ जा सकते हैं, अगर आप लाइन एट से आ रहे हैं तो लाइन वन का ऑप्शन है ऊपर, वो आपको तीर के निशान बताया गया, वो आप गाइड करते रहेंगे कि लाइन वन कहाँ पर जा रही है और कहाँ से आप लाइन वन को टेक कर सकते हैं। तो ये लाइन वन है, ये लाइन वन का ये ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है कि डाउन पे जाएंगे तो आपको लाइन वन मिल जाएगी। तो ये भी जबरदस्त है, अगर आपको चाइनीज नहीं आती आप इन इशारों की जबान से जा सकते हैं। मतलब अभी हम आप यहाँ पर आए हैं, जिस तरह लाइन एट का अपना कलर था पैरेट ग्रीन, तो इसका ये कौन सा कलर है यार मुझे नहीं पता, ब्लू है कि जामुन है। तो जो भी कलर है इसका अपना कलर है इस लाइन का, ठीक है। तो हमने जाना था गोंगू क्योंकि मुझे तो मैं वो इजीली फाइंड कर सकता है। तो हमने यहाँ पर जाना, हमारी मेट्रो भी आ चुकी है, इसी तरह ये मेट्रो इसी तरफ जा रही है क्योंकि यहाँ पर डार्क कलर है। अगर डार्क कलर ना होता, ये बिल्कुल ख़त्म है, इसका कोई कलर नहीं है, तो हम यहाँ पर नहीं जाएंगे क्योंकि वहां से ट्रेन आ रही है। तो हमें जाना इस तरफ है, हम इसके अंदर इंटर होते हैं। लकीली हम गेट के सामने आ गए तो ये लोग आउट हो गए और हम अभी इंटर हो जाएंगे। जगह बिल्कुल सर लड़की के दरमियान बैठते हैं, बैठ चुके हैं, बड़ी मुश्किल से बैठे हैं। दो एक आंटी है और एक लड़की है उनके दरमियान। तो अभी आगे जाके हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे कि हम जब एग्जिट करेंगे तो वो कैसे करना है। सेम प्रोसीजर जैसे इंटर हुए थे वैसे ही एग्जिट होगा और हमें थोड़ा सा काम है। अब आगे हमारे एग्जिट मशीन पड़ी है, तो अभी हमने ऑनलाइन चेक किया कि ये साथ आप देख सकते हैं कि हमारा एग्जिट सी है, तो वो सामने बी और सी हमने इस तरफ जाना है, मतलब इस मशीन से हम गुजर सकते हैं। तो हम अपने एग्जिट सी से आगे जाके अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचेंगे। तो पहले एग्जिट करते हैं यहाँ से, सेम वही रूल, आप QR कोड जहाँ से स्कैन किया जिस एप्लीकेशन से अली पे, वहाँ से जाके आप मेट्रो पे जाए, मेट्रो पे आकर आप स्कैन करके आप एग्जिट हो जाएंगे और आपके पैसे कट जाएंगे, आप नोटिफिकेशन आ जाएगा कितने पैसे आपके कट चुके हैं। ये सारा सीन था कि हम यहाँ पर मेट्रो कैसे यूज करते हैं चाइना में और इसके कितनी हमें इजीली हम एक जगह से दूसरी जगह पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों जो हमारा काम था वो हमने कर दिया। हमारे पीछे ये बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग में हमारा 13 फ्लोर था, उसके ऊपर हम गए और हमें जो काम था जिससे मिलना था, प्यार भरी बातें करनी थी, वो सब कुछ किया। तो अभी हम जा रहे हैं वापस मेट्रो स्टेशन पर और वहाँ पर वापस हम यूनिवर्सिटी की तरफ जाएंगे जहाँ पर हम रहते हैं। वहाँ से हमें थोड़ा सा कुछ उठाना है, सब्ज़ी वगैरह उठानी है, सब्ज़ी वगैरह उठाएंगे, वो हमने ऑर्डर किया था ऑनलाइन, तो हमारी शॉप के ऊपर वो सामान आ चुका होगा, वो हम उठाएंगे।
तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं सब्जी उठानी है, तो मेरी सब्जी ये मिर्ची मैंने पहले उठा ली थी। तो ये मटर है, ये मटर फ्रीज हुए हैं, तो ये फ्रीजर में रख देंगे, थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेंगे, छीलने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए आसानी के लिए। टमाटर आ गए, ये भी टमाटर आ गए, हमने ट्राई किया फ्रूट जहाँ से सेब जो मंगाया, देखते हैं ये कैसे टेस्ट होता है इनका। साथ में ये हमारे आलू आ गए और ये प्याज आ गए, और हमारा अभी सारा सामान आ चुका है, हम अभी रूम में जाएंगे, मटर आलू पकाएंगे। आया है चस आएगी, हमारा आया है, ये पीछे हमारे डॉम का गेट है और इस अंडी की दुकान पे हमारा ये हमारा सारा सामान आ चुका है। तो अभी इस व्लॉग का आज हम इधर एंड करेंगे, रूम पे जाके अभी दूध लेना है, चाय पकाएंगे और इंजॉय करेंगे। और उम्मीद आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर दें। खुदा हाफिज़।